पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा का जन्म दिवस कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। Thank you.
बच्चों की परीक्षाएं होती है, नौकरी की है, सब हम उसको नहीं छोड़ रहे हैं, दंपरों को नहीं छोड़े, मैं कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रही, इसलिए निश्चित तौर पर इसकी जाँच होना चाहिए और कांग्रेस की जो 2023 की सरकार बनी सब इसकी गहन जाँच कर रही है। सर, और बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, इसका भी जो पत्र है सोशल मीडिया पहले पहले हुआ था हिंदी सम्मेलन में और कुंभ में, ये सब चीज़ें हुई हैं, इस समय उस समय मिला नहीं पंद्रह महीने का था, 2023 के बाद जो 5 साल सरकार चली उसमें ये सब चीज़ें निकल गई। ये कई दिनों से कमलनाथ जी इस मुहिम में लगे हैं और ये मान के चलिए बार बार कहता हूँ कि 174 से ज़्यादा सीटों से कमलनाथ जी ने बन रहे कांग्रेस सरकार बनी और दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 सर लोकप्रिय विधायक जी और पूर्व मंत्री जी का आज जन्मोत्सव द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया, वो सबसे बड़ी बात है धार्मिकता का परिचय देते हुए आज हनुमान जी का वर्णन भी किया गया, सर क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आजकल हम संस्कृति की ओर युवा पीढ़ी जो है वो भी थोड़ी सी आकर्षित हो रही है, तो सबसे बड़े हमारे जो मार्गदर्शक हैं भगवान राम जो सबके सबके एक तरह से कह सकते हैं कि वो आइडियल है, तो उनके समक्ष हनुमान जी जो कि परमवीर पवन पुत्र हैं उनके समक्ष रह के अपना जन्मदिन मनाने का ये वो है, ये करना चाह रहे थे और ये मेरे पिताजी श्री शर्मा जी की भी यही इच्छा थी कि भगवान के शरण में उनका जन्मदिन मनाया।